यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि फिश आर स्पॉनिंग फॉर अस, तो वी आर जस्ट केयर टेकर्स. अपन उसको बराबर से एनवायरमेंट, उसका ब्रीडिंग जो सप्लीमेंट्स है वो उसको बराबर से प्रोवाइड करेंगे, तो एंजल फर्स्ट क्लास ब्रीड. बेसिकली आपको ये समझना चाहिए कि आप फिश का लव आपको होना चाहिए, तो अपने आप सक्सेस मिलते जाते हैं. काजी साहब वही बोलते थे कि बेटा बाबा इसको तू बराबर से ध्यान से खाना देगा, टाइम टू टाइम खाना देगा, उसका पानी बदली करेगा, तो ये फिश जो है, ये मछली जो है, ये तुमको बरकत देगी. हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है. आज हम मुंबई के बांद्रा इसमें किंग ऑफ द एंजल्स श्रीराम हाथवड़े सर की हैचरी विजिट करने आए हैं. ये मेरी खुशनसीबी है कि श्री सर जैसे लेजेंड की हैचरी कवर करने का मुझे आज चांस मिला. श्री सर का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ डिस्कस निंजा में फर्स्ट टाइम शोकेस करने का मौका देने के लिए मैं श्री सर को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ. पिछले वीडियो में हमने श्री सर से उनकी ये अमेजिंग 40 ईयर्स की फिश जर्नी के बारे में बात की थी. आप में से किसी ने वो वीडियोस मिस किए हो तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है. इस वीडियो में श्री सर हमें उनके हैचरी का एक्सक्लूसिव टूर देंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही फिश रिलेटेड वीडियोज हमेशा लाते रहता हूँ. जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम, आइए ना, मैं एक एक लाइन से आपको दिखाते जाता हूँ. ये कौन सा पैर? ये ब्लैक एंजल है. ओके. अभी यंग पैर है, अभी जस्ट शुरू हो रहा है. हाँ. रिजल्ट्स भी आने को शुरुआत हुआ है. हाँ. इट्स कोई कोई उसको डबल डार्क भी बोलते हैं. ओके. कोई कोई उसको डार्क बोलते हैं. जेट ब्लैक, मतलब जेट ब्लैक एंजल है. हाँ. ब्रीडिंग पेयर है. ओके. ये एक पिनो एंजल बोल के बोला जाता है. पिनो एंजल, पिनो है कि आप साइड से देखेंगे तो उसको बराबर ऐसा ग्रीनिश ब्लूइश वगैरह शाइन मारता है. हाँ, ये देखिए, ये देखिए. हाँ, है ना. हाँ. जैसा उसका रिफ्लेक्शन आते रहेगा. हाँ सर, वैसा वो चेंज होते जाएगा. ब्लैक पिनो है. ब्लैक पिनो है. ओके. फिर यहाँ पे ये बल्गेरियन सील पॉइंट बोल के एंजल आता है. बल्गेरियन सील पॉइंट, सील पॉइंट, बल्गेरियन सील पॉइंट. ये इंडिया में सबसे पहला अपना हैचरी में ब्रीड हुआ है. वाओ, काफी मतलब एक्जोटिक एंजल है. एक्जोटिक एंजल खिला जाता है. इसके बेबीज अभी इधर देखो, ये बड़े हो गए अभी. वाओ, ये अपने रेस किए, अपने रेस, अपना इधर ही रेस हुआ है. अब ये फ्यूचर ब्रीडिंग स्टॉक के लिए यूज हो जाएगा. बल्गेरियन सील पॉइंट और मानाकापागु रेड शोल्डर जैसे एक्जोटिक वैराइटीज के एंजल्स इंडिया में फर्स्ट टाइम श्री सर ने ही ब्रीड किए हैं. ये रेडा रेड जो सबसे प्राइज्ड, सबसे डिफिकल्ट. ओके. सबसे ये है. इन्होंने भी एग्स ले, अभी इन्होंने भी एग्स ले किया है पीछे वाले. वो बाद में हम लोग वो जो स्लेट के ऊपर एग्स दिया है. हाँ. वो स्लेट के ऊपर का एक स्लेट ही निकाल के उसको आर्टिफिशियल हैचिंग को लेके बाजू में ले लेंगे उसको छोटा टाकी के अंदर. ओके. यानी पैर को चांस ये नहीं रखेंगे कि उसको स्ट्रेस आ जावे या कुछ उन लोग खा जावे. ये भी रेड है. सर क्या नाम बोला इसका? ये अल्बिनो रेड. अल्बिनो रेड, अल्बिनो रेड, अल्बिनो रेड कैप से थोड़ा एडवांस ये है. ओके. कि कोशिश चालू है कि फुल बॉडी पे, मैं आगे बताता हूँ आपको पीसेस उसके, जो फुल बॉडी पे उसको रेड आ गया है ऑलरेडी. ये भी वैसा ही पेयर है. ये भी अल्बिनो रेड, अल्बिनो. ओके. ये भी अल्बिनो है. वाओ. ये वापस बल्गेरियन सील पॉइंट मेल है.
एकदम ब्यूटीफुल फुल कंडीशन में मैच्योर्ड है ये, मैं चालू किया तभी से ये वैरायटी है मार्केट के अंदर और कभी भी बहुत हुआ है सेल सॉरी सेल नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, टक्सीडो एंजल बोला जाता है टक्सीडो, ये टक्सीडो में थोड़ा एडवांस किया है कि ये ब्लू टक्सीडो हुआ है ओके, उसके अंदर ब्लू जीन भी है और ये पल्स स्केल भी है, पल्स स्केल भी है वो, बट दिस इज एवरग्रीन वैरायटी और ये इवन मेरा कंपनी का लोगो भी आप देखेंगे तो उसके अंदर यही टक्सीडो एंजल का ही फोटो है उसमें। सर अभी आपने जो बोला डेवलप किया है तो क्या मतलब सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके? हाँ पहले खाली टक्सीडो एंजल आता था, वो नेचुरल में आता था, नेचुरल में नहीं वो भी बाहर से इंपोर्ट किया गया था ओके। फिर यहाँ पे उसको हम लोग ब्लू टक्सीडो में कन्वर्ट किए, फिर उसके अंदर पल्स स्केल का भी जीन इंट्रोड्यूस करके यानी दूसरे वैराइटीज के साथ दूसरा पल्स स्केल एंजल के साथ क्रॉस करके फिर उसमें से करके पल्स स्केल टक्सीडो ब्लू पल्स स्केल टक्सीडो ऐसा वैराइटी हो गया, ये फिर बाकी एंजल्स है सब मिक्स यानी एक्स्ट्रा पेयर्स बोलो या ओल्ड वगैरह जो कभी ब्रीडिंग में नहीं रहते तो ओल्ड वाला मैं ज़्यादा करके फेंक या बेच नहीं डालता हूँ उसको रखता हूँ जो यानी उन्होंने मेरे को कभी ना कभी उन्होंने खाना दिया ही है। ये रेड डेविल एंजल है, ये ब्लैक वेलटेल है, ये भी ब्लैक वेलटेल है, ये भी ब्लैक वेलटेल है, ये ब्लू है वेलटेल, ब्लू वेलटेल, ये वो पीछे जो है वो मना का परू रेड बैक जो बोला जाता है वो भी इंडिया में पहला अपने पर ब्रीड हुआ ब्रीड किया था। वो भी एक्सोटिक वैरायटी एक्सोटिक आता है रेडबैक, अभी उसके ऊपर अभी भी काम चालू है और वो जैसा मैंने बोला कि ग्रुप एक्टिविटी, तो ग्रुप एक्टिविटी में मैंने और 8-10 ब्रीडर ने मेरे से खरीदा है ग्रोइंग के लिए वो लोग ग्रो कर रहे हैं, उन लोग ग्रो करके उनके पास फिर बराबर कलर वगैरह आ रहा है अभी वो कलर में से फिर उन्होंने वापस मेरे को एक टेर ला के दिया अच्छा। फिर वो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर इम्पोर्टेड स्टॉक बीच में किसने लिया है वो इम्पोर्टेड स्टॉक के साथ क्रॉस करके यानी 8-10 जन एक साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उतना रिजल्ट फास्ट आते रहेगा। ऐसे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों कि ये बिजनेस में जो डीलर्स है जो ट्रेडर्स है उनका सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो शुरू से ही मुझे काफ़ी डीलर्स लोग का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला है, जैसा दिल्ली के नईम भाई है, यहाँ के शोएब पौलोवा है, हुसैन भाई है, फिर समीर है, सचिन है, जावेद है, स्वप्निल पेंडकर है, फिशोफिश किशोर किशोर सामंत उनका है। एक खास करके मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे शकील भाई है अपने लेक लैंड पे, तो उन्होंने 15 साल पहले मेरे को गोल्डन विडो तभी नया नया मार्केट में आया था और उसका प्राइस भी काफ़ी हाई था, अबाउट 100 रुपीज़ पीस वगैरह ऐसा था। सब लोगों ने सब ब्रीडर्स लोग ने लिया था लेकिन किसके पास ब्रीड नहीं हो रहा था, लेकिन शकील भाई ने मेरे को कुछ उनके पास तैयार हुए हुए गोल्डन विडो में से थोड़े बच्चे मेरे को दे दिए थे, वो आगे चल के बड़े हो गए और फिर ब्रीड हुए जिसका मेरे को काफ़ी फाइनेंशियल फ़ायदा हुआ था। ये अभी टैंक वॉशिंग को जाएगा, इसमें फिश था वो सेल हो गया तो अभी वॉशिंग को जाएगा। ये रेड एंड रेड के बेबीज है पूरे रेड एंड रेड जो अभी आपके पैर दिखा इसके और भी पैर से मैं दिखाता हूँ और भी बच्चे हैं। ये बल्गेरियन सील पॉइंट की बेबीज है, कॉस्टली है, थोड़ा सेल स्लो है बट हो रहा है, जो हॉबीस्ट है उन लोग को अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये धीरे धीरे ग्रो होके फिर उसको रेड कलर आने को चालू होगा, अभी चालू हुआ है थोड़ा 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 कोई कोई पीस आप देख रहे हैं, बट जो हम लोग यानी ये रेड कैप तो मैं पहले से ही कर रहा था तो कोई आता था तो पहले जमाने में जब भी कोई 86 में मिल रहा था तो वो कोई एंजल को
खाली फ्यू परसेंटेज 10% 20% ऐसा हेड के ऊपर लाल आता था बिल्कुल, और बहुत कॉस्टली रहता था। तो मेरे को साने साहब जो थे, शरद साने, उन्होंने वो एंजल मेरे को तभी गिफ्ट किया था कि ये अच्छा। इसको तुम ट्राई करो ग्रो करके ब्रीड करने को, फिर उसमें से डेवलप करके अभी कोई, फिर बाद में सुपर रेड कोई, फिर जो मेरे दूसरे फ्रेंड है, एक फ्रेंड ने बाहर से इम्पोर्टेड रेड डेविल ला के दिया, वो रेड डेविल उसके साथ क्रॉस करके फिर अपना इधर का रेड डेविल का स्ट्रेन एक एस्टेब्लिश हो गया, डेवलप किया। वही साइड बाय साइड वैसे ही अल्बिनो में उसको कन्वर्ट करके अल्बिनो रेड कैप बना दिया था हम लोग। ओके, अल्बिनो रेड कैप का फिर आगे जाके वो अल्बिनो रेड आए रेड, ऐसा पूरा आगे का हो गया कि एक, अब सबको वही ये है कि फुल रेड वाला एंजल निकालेंगे। थोड़े 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 आ रहे हैं, अभी आने को शुरुआत हुआ है, ये बेबीज में से भी थोड़े निकलेंगे, दूसरे बेबीज है उसमें से भी निकलेंगे, तो रेड रेड विल बी एम्पल नाउ। अपने मुझे पूछना था आपका शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, फिर दो तीन एक्सपोर्टर्स है वो लोग भी इंटरेस्टेड है। ओके, तो वो लोग भी, लेकिन उनको एक्सपोर्ट के लिए जो क्वांटिटी मांगता है वो क्वांटिटी अभी तक अपने को पॉसिबल नहीं हो रहा है, और एक्सपोर्ट में क्या रेट भी कम आता है, इंटरनेशनल रेट से आता है, तो जब इंडिया में अपन अच्छा रेट में अगर बेच सकते हैं तो फिर बाहर क्यों देने का, इधर ही मार्केट अच्छा है ना। बिल्कुल। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये इसमें फैमिली सपोर्ट होना बहुत 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 ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है इसमें, खास करके फिश का। इसमें जब ये शुरू में बहुत स्ट्रगल रहता है, कोई भी बिजनेस में शुरू में बहुत स्ट्रगल रहता है, अप डाउन्स रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सब इसमें आपका फैमिली सपोर्ट होना, खास करके मेरे इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मेरी वाइफ संजीवनी, उसका मेरे को जो सपोर्ट मिला है और उसने जो मेरे को सपोर्ट किया है वो मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरा सक्सेस का मेन वजह वो है। रेड डेविल एंजल है, रेड डेविल, ये रेड है, रेड है वापिस। ये पिनॉय चॉकलेट का है, अभी ये लोग ओल्ड पीसेस है, यानी एक्चुअली डिस्कार्ड ब्रीडिंग स्टॉक, ये हम लोग डिस्कार्ड नहीं करते उसको, हम लोग फिर भी जब तक वो अच्छा है, कुछ डिजीज नहीं है, तो उसको मेंटेन करते। सो इन जनरल इनका एंजल्स का लाइफ स्पैन कितना रहता है? अबाउट 4 इयर्स। ओके, 3 इयर्स 4 इयर्स तो आराम से उन लोग रह जाते हैं। हाँ, ये रेड है, रेड के है, रेड है, रेड। बॉडी पे नियरली 80% पे तो आ गया। दूसरा मैं दिखा था जिसको नियरली 90% 100% भी बोल सकते। बिल्कुल सर। ये कौन से दोनों? वो क्रिबेंसिस है, क्रिबेंसिस ड्वार्फ सिक्लिड्स में आता है। ओके, एक्जोटिक हुई है। हाँ, एक्जोटिक ऐसा नहीं, काफी सालों से इंडिया में है। ओके ओके, उसमें वो छोटा वाला जो है वो फीमेल है, फीमेल छोटी रहती, मेल थोड़ा बड़ा हो जाता है। okay. मेल को टेल पे भी पैटर्न आता है, फिन्स भी थोड़े लंबे रहते मेल के। okay. कलर ब्रीड करते थे। हाँ हाँ, वाओ, काफी खूबसूरत है। अब ये पैर उधर लगे है कोने में। अच्छा, वो पैर सेट हुए है। ओके ओके ओके, उसको उधर स्लेट वगैरह कुछ देंगे। हाँ, वो ब्रीड हो जाएगा उधर वो। अच्छा, न्यूली फॉर्म पे है। न्यूली फॉर्म पे है। ओके ओके। ये भी न्यू यूनिफॉर्म पेयर है, अपन दूसरा साइड पे आ गए। हाँ सर। अब इधर से जरा क्लियर व्यू मिलेगा। हाँ। उसको इधर कुछ स्लेट वगैरह देंगे तो इधर भी ब्रीड हो जाएगा। ओके। इसका नेक्स्ट स्टेज वापस इसमें आ रहा है, देखो थोड़ा कि इसको बॉडी पे और जास्ती रेड आ गया। हाँ।
सिलेक्टिव ब्रीडिंग से एक एक जनरेशन एक एक जनरेशन। खाली प्रॉब्लम क्या होता है कि ये अल्बिनो एंजल्स जो भी है ये थोड़े ब्रीडिंग में डिफिकल्टी है। इसका क्या आईसाइट भी थोड़ा वीक रहता है बेबीज का, उनको बराबर से खाना दिखता नहीं है, और थोड़ा पेशेंस का है कि उसको थोड़ा खाना जास्ती हो गया तो भी वो मॉर्टेलिटी आता है। तो पहले तो लोगों को सक्सेस नहीं मिलता था, अभी थोड़े थोड़े दो चार ब्रीडर लोग हैं उनको थोड़ा सक्सेस मिल रहा है। अपने इधर तो नो प्रॉब्लम, अपने इधर अच्छा हो ही रहा है। ये फुल रेड हो गया जैसा, उसको तो स्पॉटिंग भी आ गया बॉडी पे, फुल बॉडी पे स्पॉटिंग है। ये देखो बारीक डिजाइन है लेपर्ड जैसा, लेपर्ड डिस्कस जैसा बारीक स्पॉटिंग है उसके ऊपर। अभी वो स्पॉटिंग वाला भी डेवलप करना मांगता है जो, हाँ बेबीज है छोटे। लेकिन यू कैन नोटिस द कलर कि अभी वो येलो दिख रहा है। थोड़ा एनहेंसर उसको मिलेगा, कैरोटीनॉइड फीड मिलेगा, एस्ट्राजेंथिन वगैरह मिलेगा, तो धीरे 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 लाल होने को चालू हो जाएगा। एक दो दिन में उसको हार्मोन वगैरह ऐसा कुछ फीडिंग नहीं देने का अपने को, फास्ट रिजल्ट के लिए ऐसा नहीं, स्लो 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 उसका लाइफ टाइम में आराम से उसको डेवलप करने का। ये विडो टेट्रा है, अभी जो नया कलर्ड विडो निकाले रहे ग्रीन येलो उसके बेबीज है पूरे। हाँ, ये भी ब्रीड कर, अभी नया है ना, तो एक अपना अपने को भी क्रेज रहता है और डिमांड अच्छा है, तो टर्नओवर भी फास्ट रहता है, थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन भी जास्ती रहता है। मुझे एक बात पूछनी थी, आप ये बेबीज को क्या फीड करते हैं? बेबीज को उसका डेफनी आता है, नहीं तो आर्टिमिया आता है, नहीं तो हम लोग वेरियस पाउडर फूड्स रहते हैं एकदम बारीक ग्राइंड किए हुए या तैयार फीड ही मिलते हैं बारीक, 100 माइक्रोन 50 माइक्रोन 200 माइक्रोन, तो वैसा फीड करके चलाते हैं उन लोग को। और सब ब्रीडिंग पे तो एडल्ट्स को आप क्या? एडल्ट्स को भी वही बड़ा थोड़ा पैलेट्स रहता है, टेट्राबिट्स है, अलग अलग पैलेट्स। ये भी सब वही है, रेड के बेबीज है। खाली हर एक पैर का हम लोग अलग अलग रखते हैं, जैसा ये 7 नंबर पैर का है, ये 9 नंबर पैर का है, वो 8 नंबर पैर का था, यानी उसका रिजल्ट फिर बड़ा करके हम लोग ग्रोथ में स्टडी करते हैं। अभी 3-4 साल पहले ही मैंने ये पिनॉय चॉकलेट बोल के बनाया था, पिनॉय चॉकलेट, ये उसके बेबीज है। अभी उसका पैर भी है अपने पास, वो अभी भी ब्रीड होता है फर्स्ट क्लास, उसको हम्प वगैरह भी है, सब है। लेकिन अभी वो बाकी कोई कोई ब्रीडर करते हैं, तो इसके लिए मैं उसके जास्ती पीछे नहीं, जस्ट टू कंटिन्यू द जनरेशन ये चालू रखा है। उसमें से आया हुआ अल्बिनो ऐसा थोड़ा बहुत 4-5 पीस आया है, ये कुछ नया अल्बिनो वापस निकलेगा एकदम। हाँ देखते हैं ग्रो करके उसमें और क्या स्टोरेज भी है। ये रेडा रेड के बेबीज है, ये जेब्रा लेस या जेब्रा पिनॉय, पिनॉय जेब्रा के है, ब्लू होता है क्या? हाँ ब्लू आ जाएगा उसको। ये पिनॉय जेब्रा है, ये फुल रेड हो गया, देखो ये भी फुल रेड हो गया, ये भी फुल रेड हो गया। ये अभी सेलिंग के लिए सब लोग तैयार हो गए। ये भी रेड है, हाँ रेड है, रेड नया फिश आता है तो हम लोग उसको क्वारंटाइन में रखते थोड़ा दिन के लिए, एकदम से उसको हम लोग का स्टॉक के साथ मिक्स नहीं करते, थोड़े से अलग रख के। अब ये रेड डेविल वेलटेल का मैंने बेबीज बेचा था एक को, उसने जब भी ग्रो किया उसको जो 5-6 पीस अच्छे लगे उसमें से वो उसने निकाल के बाजू में रखा था, तो ग्रो करके वो वापस अपने पास लेके आया कि सर अभी ये ब्रीडिंग स्टॉक के लिए आप यूज़ करके देखो, ऐसा बोल।
ये सब वीडियोस की है, वीडियोस की इसमें जाती है, बच्चा पार्टी सब। तो इन्हें सर आप क्या फीड करते हैं इनको? बनाया आर्टिमिया, आर्टिमिया, आर्टिमिया। अभी हाँ, अभी इंपुसुरिया का स्टेज निकल गया। ओके, ये ब्लैक एंजल्स है, जेट ब्लैक, जेट ब्लैक या पिनॉय ब्लैक भी बोल सकते हैं उसको। एक्चुअली पिनॉय और जेट ब्लैक में क्या डिफरेंस रहता है? जेट ब्लैक में खाली ब्लैक जीन रहेगा, ब्लैक जीन दैट कैन बी इन डबल डोस ऑल्सो, डी डी भी हो जाएगा वो। वो पिनॉय होने को उसको दो जीन ब्लू का मांगता है और एक जीन ब्लैक का मांगता है। ऐसे ही जैसे ये पिनॉय है, अभी ये पिनॉय का इफेक्ट ये देखो आप, इसमें आपको इफेक्ट बराबर मालूम पड़ेगा। जो ग्रीन शाइन मारता है, टेल के ऊपर पूरा डिजाइन आ गया, डॉर्सल में डिजाइन आ गया, बराबर आपको मालूम पड़ने लगा कि कैसा आ रहा है। फेस भी ग्रीन होने लगा। ये भी ब्रीडिंग पेयर है सर? ब्रीडिंग पेयर है। ये मना कपड़ों का बेबी था, वो हमारे ग्रोवर ने लिया था। उसके पास से एक मेल वापिस आ गया। ओके, क्योंकि उसको फ्यूचर ब्रीडिंग के लिए एक जनरेशन कंटिन्यू करेंगे अब। बिल्कुल, ये वापिस हुई विडो, विडो बेबीज। ऑलमोस्ट कितने दिन के हो गए सर? ये अभी नियरली 15 डेज के हो गए। ओके, 10-15 डेज के हो गए। ब्रांच के ब्रांच आर्टिमिया पे है अभी। ओके, अब यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, फिर उसको डेफनिया चालू हो जाएगा। ओके, वीडो के जो बड़े हो गए तो हम लोग थोड़ा बेबीज फ्यूचर ब्रीडिंग स्टॉक के लिए भी ग्रो करते ही रहते। okay. ये वापस पिनॉय जेब्रा का बेबीज है, पिनॉय जेब्रा।
है इसमें? ये रेड कैप या रेड के साथ में थोड़ा थ्रोबैक्स आता है, थ्रोबैक्स कि वो वाइट, पूरा वाइट निकलता है उसको, कभी कभी बॉडी पे किधर कलर आता है किधर नहीं आता है, तो यूजुअली वी डोंट सेल देम, वो ऐसा उसको इतना वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन वो बाजू में रख देते कभी कभी किसको किसको लग जाता है। एवरी वराइटी ऑफ थ्रोबैक, जैसे वीडो में प्लेन गोल्डन वीडो, ये भी थ्रोबैक आ ही जाता है, ये वीडियोस के भी थ्रोबैक आता ही है इसमें। ये यहाँ पे वो विप्टेल कैटफिश अपन देखे नहीं ना? नहीं नहीं, उसका एक लेना पड़ेगा, ये विप्टेल के बेबीज है, वो भी अपग्रेड करते हैं, विप्टेल कैटफिश बिल्ड करते हैं, जो मेरे को अभी भी वो चैलेंजिंग है फिश, इसके लिए थोड़ा 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 चालू रहता है। ठीक है, ये अभी बड़ा हुए नहीं, ऑलमोस्ट कितने दिन के बेबीज रहेंगे ये? 25-1 का है। ओके ओके, 2 महीना होने को आया। अच्छा, स्लो ग्रोथ है, एकदम एकदम एक्सट्रीम स्लो और एकदम नाजुक रहता है। अभी इसमें कल हम लोग 54 बेबीज डाले थे छोटे, ये वो पूरा का पूरा मर गया। देखो, तो इनको फीड क्या करते हैं? इनको ज़्यादा करके ककम्बर, पालक का पत्ता, सलाद का पत्ता वगैरह, ऐसा ग्रीन मैटर का ये सब लगता है। ये वो ग्रीन, ये क्रिमेंसिस का बेबीज है। अच्छा, जो अभी अपने पैर, हाँ, पैर दिखाया उसका, वो पैर का बेबीज है। वाओ, वो है सिकलेट की वैरायटी है सर? नहीं, सिकलेट सिकलेट, तो ये नेचर में कैसे, थोड़े एग्रेसिव या कैसे रहेंगे? नहीं, दे क्वाइट कम्युनिटी फिश है सर, कैन बी केप्ट। हां हां, अभी देखो एंजल के साथ मैंने रखा है, एंजल को कुछ देयर खुद का डिफेंड भी वो लोग कर सकते हैं। ओके, और किससे मार भी नहीं खाएंगे, किसको मारेंगे भी नहीं है सर। ये वीडियो नया कलर अभी आया है मार्केट में, तो वो भी थोड़ा पीस हम लोग इम्पोर्टेड आया था बाहर से, ये ब्लू कलर का है, ऐसे ही पर्पल कलर वाला भी आया है, वो सब लाके रखे कि अभी वो आगे जैसा मैच्योर हो जाएगा तो ब्रीड चालू करके अपने, अभी ये इम्पोर्टेड जो है वो 60 रुपीज़ 100 रुपीज़ पीस ऐसा है, जब अपने इधर ब्रीड हो जाएगा तो 30 रुपीज़ 40 रुपीज़। ये सब हॉबीज को भी फायदा होता है, शॉप वाले को भी फायदा होता है, ब्रीडर्स को भी फायदा होता है। एक बात पूछनी थी, ये जो भी ग्रोथ है तो उनका कलर रहेगा या फेड होगा? नहीं, सेम रहेगा ये, उसको दीज आर नोन एज ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक, उसके अंदर वो कलर वाला जीन ही इम्प्लांट कर दिया है। ओके ओके ओके, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, जैसा जेबरा में भी आता है, तो ये तो सारा वाइल्ड वाला जेबरा है, जेबरा डेनियो जो बोलते हैं, वो वाइल्ड वाला जेबरा डेनियो है। ये क्या, काफ़ी सारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में वगैरह काफ़ी जन रिसर्च इसके ऊपर चालू रहता है। ओके, तो काफ़ी जन मेरे से उसका वो भी लेके जाते हैं, फिर उसके एम्ब्रियोज लेके जाते हैं, वो भी हम लोग साइड बाय साइड सप्लाई करते हैं। ओके ओके, ये मना का परू का बेबीज है, उसको कलर आने को अभी टाइम लगेगा। ओके, लेकिन ये पिंक वाला नया नया वीडियो, नया कलर का वीडियो है, और जो विप्टेल में बोल रहा था वो उधर है, ये विप्टेल कैटफिश है जो उसके बेबीज अपन उधर देखे, उसका है वो, ये उसका टेल का वजह से उसको विप्टेल बोला जाता है, ये जो टेल है वो टेल एक्चुअली उसका सेंसर सेंसर जैसा है। लोग ज्यादा करके वेज मैटर खाते, वेज मैटर की काकड़ी, बटाटा, फिर आपका सलाद पत्ता या पालक पत्ता, प्लांटेशन के लिए अच्छे, हाँ हाँ, अलगी अलगी पूरा क्लीन करें। ये टैंक को देखो ना, 8-8 महीना 1-1 साल हो गए हम लोग स्क्रब नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन ये टैंक क्लीन रहेगा एकदम, कुछ भी है नहीं। ये फिश अभी भी चैलेंजिंग है, तो इतना साल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये सबसे पहला साने साहब ब्रीड करते थे, अच्छा, तो तभी से अभी वो भी तभी 100 रुपये बेचते थे, आज भी वो 200 रुपये पीस बिकता है, इतना 40 साल होने के बाद भी भाव में कुछ जास्ती फर्क नहीं है। वेरी हार्ड टू ब्रीड, नहीं, डिफिकल्ट टू रेज, डिफिकल्ट टू रेज, फिर भी कुछ ना कुछ, एवरी टाइम वी आर लर्निंग न्यू समथिंग। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज एंड सीखने भी मिला होगा।
श्री सॉय की है 40 इयर्स की अमेजिंग फिश जर्नी का वीडियो भी चेक करना ना भूले। उसका लिंक और मेरे बाकी के वीडियोस के भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।